हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित सारडा है और इस वीडियो में हम आरटीपी डिस्कस करेंगे मई 2018 सीए इंटरमीडिएट की। ठीक है, और मैं इस वीडियो में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कवर करके दूंगा सारे के सारे, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, सो मैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहा हूँ। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैंसी टेरी टॉवल्स हैज़ वैल्यूड इट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट रियलाइजेबल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट्स एंड एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव्स। फर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिसीव्ड एंड द गुड्स वर पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट, बट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैव नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द फॉरन बायर। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी ऑन द वैल्यूएशन। आप फैंसी टेरी टॉवल्स मैन्युफैक्चर करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक में कुछ फिनिश गुड्स है रियलाइजेबल वैल्यू पर पड़े हुए, जिसके अंदर में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है और एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव भी इंक्लूडेड है। बेटा, AS2 के हिसाब से आप जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हो तो आप उसमें प्रॉफिट्स इंक्लूड नहीं करते। दूसरा, आप ट्रेड डिस्काउंट्स डिडक्ट करते हो, आप रिबेट डिडक्ट करते हो, आप वॉल्यूम क्या ड्यूटी ड्रॉबैक डिडक्ट करते हो, पर एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव्स डिडक्ट नहीं किए जाते। ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू से इज़ ये दोनों भी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाएगी जब आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, अदर देन दैट AS9 बोलता है जब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं होता आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगी और क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आर आंसर इज़। फर्स्ट पार्ट हम नंबर लिख रहे हैं स्टैंडर्ड का, सेकेंड पार्ट हम डेफिनेशन दे रहे हैं कि AS2 हमको क्या बोलता है, थर्ड पार्ट हम इसका कंक्लूजन दे रहे हैं। सो नाउ आई लुक एट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to AS4, contingencies and events occurring after the balance sheet date, identify whether the following elements will be treated as contingencies, adjusting events or non-adjusting events for the balance sheet in case of a company which follows April to March as financial year. आपको बोला April to March financial year है, क्या ये AS4 में आते हैं या नहीं। पहला, a major fire has damaged the assets of the company on 5th April, 5 days after the year end. However, the assets are fully insured and the books have not been approved by the directors. अब जो इवेंट है, जो कॉन्टीजेंसी या आग लगी, वो 31 मार्च के बाद हुई है, पर ये आपकी फैक्ट्री में लगी है। तो अब ये एडजस्टिंग इवेंट है क्या? बेटा, एडजस्टिंग इवेंट वो होता है जो 31 मार्च के पहले हुआ हो, जिसका कंफर्मेशन कि उस इवेंट से फ़ायदा या नुकसान हो रहा है ये बैलेंस शीट अप्रूव करने के पहले पहले मिल जाना चाहिए। अब यहाँ तो जो इवेंट है वो कॉन्टीजेंसी 5 अप्रैल को हुई है, 31 मार्च के बाद, तो ऐसे इवेंट्स तो AS4 कवर ही नहीं करता। तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं हुए, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुए। नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर आप डायरेक्टर्स रिपोर्ट में दोगे। कुछ स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होगा इसमें कि सर, आग लगी है हमारे फैक्ट्री में, गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया होगा, तो पर क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है इंश्योर्ड है यार, आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। सो एज सच मुझे नहीं लगता हमें यहाँ गोइंग कंसर्न के बारे में कुछ बात करनी चाहिए। सेकेंड पार्ट, अ सूट अगेंस्ट द कंपनीज एडवर्टीजमेंट वॉज फाइल्ड बाय द पार्टी ऑन 10th अप्रैल, 10 डेज आफ्टर द ईयर एंड, क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 20 लाख्स। आपके ऊपर एक केस फाइल किया गया है 10 दिन बाद, 31 मार्च के बाद, अगेन समथिंग दैट आई शुड कॉल नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कोई स्टूडेंट मुझे बोलेगा कि सर, ऐड तो 31 मार्च के पहले बनाई होगी। बेटा, कॉन्टिजेंसी ऐड से नहीं है, कॉन्टिजेंसी वो कोर्ट केस से है, वो पता नहीं जीतोगे या हारोगे, तो वो जब 31 मार्च के बाद हुआ तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, AS5 से रिलेटेड। बेला लिमिटेड एज अ वेकेंट लैंड measuring 20,000 square feet which it had no intention to use in future, company decided to sell the land to tide over its liquidity problems and made a profit of 10 lakh rupees by selling the land. आपके पास एक लैंड है जो आप बिजनेस में यूज़ नहीं करने वाले थे, आपने बेच दिया, 10 लाख का फ़ायदा हुआ। 10 लाख में बेचा ऐसा नहीं बोला है, 10 लाख का फ़ायदा हुआ। मोर ओवर, देर वॉज अ फायर इन द फैक्ट्री एंड पार्ट ऑफ अनयूज फैक्ट्री शेड एट ₹8 लाख वॉज डिस्ट्रॉयड। लॉस ऑफ फायर वॉज सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ लैंड। अब आपके यहाँ आग लगी, उसके कारण 8 लाख का नुकसान हो गया। क्या हम 8 लाख के नुकसान को 10 लाख के फ़ायदे से नेट ऑफ करके 2 लाख रुपये का फ़ायदा दिखा सकते हैं क्या PNL में? तो बेटा, ऐसा नहीं होता, दोनों का नेचर अलग अलग है। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड इज कैपिटल एप्रिसिएशन, तो अलग से इनकम दिखना चाहिए। 6 लाख इज लॉस फ्रॉम बिजनेस, वो अलग से दिखना चाहिए। ठीक है, लॉस बाय फायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा, आप ऐसे नेट ऑफ नहीं कर सकते। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। In the year 1617, an entity has acquired a new freehold building with a useful life 50 years for 90 lakhs.
entity desires to calculate the depreciation charge per annum using straight line method. It has identified the following components: land with infinite life 20 lakhs, roof, lift, fixture, remaining of the building. सबकी life दी है बेटा, बहुत simple concept है. AS10 बोलता है componentization से आप depreciation charge करोगे. तो इस क्वेश्चन में भी हम हर बिल्डिंग के कंपोनेंट को डिप्रिशिएट करेंगे. अब लैंड की लाइफ तो इनफाइनाइट है, वो डिप्रिशिएट नहीं होगा. रूफ़ 10 लाख का 25 साल में डिप्रिशिएट होगा. रूफ़ 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 विल बी द डिप्रिसिएशन. लिफ्ट 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 विल बी द डिप्रिसिएशन. फिक्सचर 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 विल बी द डिप्रिसिएशन. एंड रिमाइंडर बिल्डिंग 50 लाख डिवाइडेड बाय 50 विल बी द डिप्रिसिएशन. ऐसे हमको डिप्रिसिएशन निकाल के ऐड करके बता देना है कि 16-17 में डिप्रिसिएशन कितना हुआ. ठीक है, सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है. कुछ मतलब मुझे अलग से ऐसा कैलकुलेशन दिखाने वाली बात नहीं लगती, ये बिल्कुल स्टूडेंट को जम जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. पावर ट्रैक लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर $50,000 ऑन 31st October, पेबल आफ्टर 6 मंथ्स. $50,000 का अपन ने प्लांट खरीदा. कंपनी एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 मंथ्स एट 64.25. ऑन 31st October द एक्सचेंज रेट इज 61.5. अब आपने $50,000 का 31st October 2016 को 6 महीने बाद पेएबल कॉन्ट्रैक्ट लिया. कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इज़ फॉर 6 मंथ 64.25 पे. 31st October को जो स्पॉट रेट चल रहा है वो चल रहा है 61.5 का. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March. चलिए, तो हमने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया हमारे एसेट के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट करने के लिए. अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है वो कॉन्ट्रैक्ट है 64.25 का. और जिस दिन हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन जो रेट चल रहा है वो है 61.5. ठीक है, अब आपने परचेज़ किया है फॉरेन से तो आपको क्या लगेंगे, डॉलर्स लगेंगे वो मशीन ख़रीदने के लिए $50,000, जिसका पेमेंट आपको 6 महीने बाद करना है. यानी 6 महीने बाद आपको $50,000 लगेंगे. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या किया होगा, ये $50,000 ख़रीदे होंगे, ये $50,000 आपने ख़रीदे होंगे. ठीक है, तो आपने ख़रीदने का रेट डिफ़ाइन कर दिया 64.25, जबकि स्पॉट रेट चल रहा है 61.5. तो अगर मैं पूछूँ कि कितना एक्स्ट्रा देने की बात हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ कि हो जाएगा 2.75 पर डॉलर. और ऐसा हमने $50,000 के लिए किया है, तो ये हो जाएगा 1,37,500. अब वो पूछ रहे हैं 31st March तक के हमको कितना रिकॉग्नाइज करना है. ठीक है, 31st March 2017. अब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है 31st October और पेमेंट करना है 6 महीने बाद, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में पेमेंट करना, जिसमें से 31st March तक के 5 महीने हो रहे हैं. तो PNL में कितना रिकॉग्नाइज करना है आपको, नुकसान हुआ है 137,500 का, जिसमें से हम 5/6 जितने महीने एक्सपायर हो गए उतना नुकसान अभी बुक कर लेंगे. ठीक है, उतना नुकसान बुक कर लेंगे, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है ये 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट का हुआ है. आपको ये जो नुकसान हुआ है ये 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट का हुआ है, और 6 महीने में पेमेंट देना है आपको. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 6 महीने का नुकसान हुआ, तो उसमें से जितना नुकसान इस पीरियड से, इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, वो इसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाइए, बाकी का अगले फाइनेंशियल ईयर में दिखाया जाएगा. ठीक है, तो अक्रूवल का कंसेप्ट लगाया हमने इसके ऊपर. चलिए आगे बढ़ते हैं. डी लिमिटेड अक्वायर्ड मशीन ऑन 1st April 2012 फॉर 20 लाख, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स. कंपनी हैज़ अप्लाइड ऑन 1st April 2012 फॉर अ सब्सिडी टू द ट्यून ऑफ 80% ऑफ कॉस्ट. 2012 में 20 लाख की मशीन खरीदी जिसकी सब्सिडी के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था. क्या हम इसको सब्सिडाइज रेट में एसेट दिखा सकते हैं? अब AS12 बोलता है गवर्नमेंट ग्रांट तभी दिखाओ व्हेन इट इज़ देयर इज़ रीजनेबल सर्टेनिटी कि आपको पैसा मिल जाएगा, ग्रांट विल बी रिसीव्ड. तो अभी तो आपने अप्लाई किया ऐसा कुछ बोला नहीं क्वेश्चन ने. सैंक्शन लेटर मिला है आपको नवंबर 2015, यानी हम ग्रांट हमारे बुक्स में दिखाएंगे 15-16 में, हम 2012-13 में नहीं दिखा सकते. कंपनी हैज़ फिक्स एसेट अकाउंट फॉर द ईयर एंड शोज अ क्रेडिट बैलेंस एज अंडर. मशीन 20 लाख की थी, स्ट्रेट लाइन डिप्रिशिएट करके 12 लाख डिप्रिशिएट हो गए थे. जिस दिन 8 लाख की मशीन दिख रही थी उस दिन 16 लाख की ग्रांट मिल गई. तो क्या करना चाहिए?
बेटा बहुत सिंपल फंडा है, 8 लाख की मशीन दिख रही है, 8 लाख रुपए फिक्स एसेट अकाउंट में चले जाएंगे, आपको मिले 16 लाख। तो मैं जर्नल एंट्री अगर करूँ तो बैंक अकाउंट डेबिट 16 लाख्स। फिक्स एसेट को एडजस्ट कर दो डिडक्टिव मेथड से 8 लाख, और बचा हुआ डिफरेंस उठा के डाल देंगे PNL में। तो ये हो गया डिडक्टिव मेथड। सर क्या कोई और तरीका भी है दिखाने का? डिप्रीशिएबल एसेट है इसलिए एक और तरीका है, एडिटिव मेथड, जिसके अंदर में मुझे जो ग्रांट मिली है मैं उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दूंगा, या रादर आप उसे बोल सकते हैं डेफर्ड इनकम अकाउंट 16 लाख। ठीक है, स्ट्रेट लाइन डिप्रिशिएट कर रहे हैं तो अभी एसेट की और 2 साल की लाइफ बची है, तो 2 साल में इसको अमोर्टाइज़ कर देंगे, 16 लाख रुपए को 2 साल में अमोर्टाइज़ करके PNL में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू PNL, बचे हुए लाइफ में इसको आप अमोर्टाइज़ कर दीजिए 2 साल, या फिर डिडक्टिव मेथड से PNL में डाल दीजिए। ऐसे एसेट का क्रेडिट बैलेंस करके आप नहीं दिखा सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। परिधि इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ अनदर अनलिस्टेड कंपनी ऑन 1 मई फॉर 3 लाख्स, होल्डिंग विद द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग फॉर मोर देन अ ईयर, यानी आपके लॉन्ग टर्म लोन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए, जहाँ 12 महीने से ज़्यादा का होल्ड करने का इंटेंशन है। पब्लिश अकाउंट्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी ऑन जनवरी 2017 रिवील्स दैट कंपनी हैज़ इनकर्ड कैश लॉसेज एंड डिक्लाइन इन मार्केट शेयर एंड इन्वेस्टमेंट मे नॉट फेच मोर देन 45,000। चलिए हाउ विल यू डील विद द सेम। AS-13 दो तरह के इन्वेस्टमेंट की बात करता है, करंट और लॉन्ग टर्म। करंट यानी जिस दिन हमने ख़रीदा उस दिन से 12 महीने के अंदर हमारा उसे बेच देने का इंटेंशन है, और अगर नहीं है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्ट, पर अगर उनकी प्रे वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइन आया है तो फिर आप क्या उसकी वैल्यू गिरा दोगे। इस क्वेश्चन में आपको बताया कंपनी को बहुत कैश लॉसेज हुए हैं और मार्केट शेयर भी डिक्लाइन हो गया है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि परमानेंट डिक्लाइन है कंपनी के शेयर में। तो अब 3 लाख पे नहीं दिखा सकते, 45,000 पे इन्वेस्टमेंट्स को दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन है। मई 2016 कैपेसिटी लिमिटेड टुक अ बैंक लोन टू बी यूज स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड इन जनवरी एंड बिल्डिंग वॉज पुट टू यूज़ इमीडिएटली। इंटरेस्ट ऑन एक्चुअल अमाउंट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टिल द कम्प्लीशन वॉज 18 लाख्स। अब आपने कुछ बैंक लोन लिया बिल्डिंग कम्प्लीशन के लिए, जनवरी में वो कम्प्लीट हो गई, जनवरी तक के इंटरेस्ट लगाया 18 लाख। वेर एज टोटल इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टिल 31 मार्च इज 25 लाख, ओवरऑल इंटरेस्ट इज 25 लाख, 18 लाख जनवरी तक का है। क्या हम पूरा 25 लाख कैपिटलाइज कर सकते हैं? तो बेटा क्वालिफाइंग एसेट में इंटरेस्ट सीज किस पॉइंट पे होता है? जिस पॉइंट पे काम कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया जनवरी में, तो इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन भी सीज हो जाएगा जनवरी में, आप सिर्फ जनवरी तक कैपिटलाइजेशन कर सकते हो 18 लाख्स का। चलिए सेगमेंट रिपोर्टिंग देखेंगे। कंपनी हैज़ एन इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी एट अ प्राइस कॉस्ट लेस 5%, मार्केट प्राइस इज जनरली 20% अबव कॉस्ट, वेदर द पॉलिसी इज़ करेक्ट। अब बेटा अगर मेरे को AS-17 के हिसाब से बोलें कि एक दो कंपनीज़ है आपस में ट्रांजैक्शन कर रही है, ट्रांजैक्शन मार्केट प्राइस से 5% कम पे कर रही है जबकि मार्केट में 20% अबव कॉस्ट पे किया जाता है, तो AS-17 के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको प्राइस फेयर वैल्यू पे रखना चाहिए, मार्केट वैल्यू पे रखना चाहिए। AS-17 तो रिपोर्टिंग है कि आपने ट्रांजैक्शन किया तो कितने में किया रिपोर्ट कर दो, ख़त्म। तो ये सिर्फ हमको रिपोर्ट करना है, बाकी ऐसे AS-17 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए AS-22 पे आते हैं, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस। रामा लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग अमाउंट, डिप्रीसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 2 लाख, डिप्रीसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स 5 लाख, अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 30,000। देर इज एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशियंसी, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी। अब बेटा आपने अपने बुक्स में डिप्रीसिएशन कितना चार्ज किया? 2 लाख। इनकम टैक्स के हिसाब से कितना किया? 3 लाख। यानी इनकम टैक्स में ज़्यादा किया, यानी इनकम टैक्स में प्रॉफिट कम दिखाया क्योंकि डिप्रीसिएशन ज़्यादा चार्ज किया। जब इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कम दिखाया तो ऑब्वियसली आपने टैक्स कम भरा है, पर हमारे बुक्स में हम प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहे हैं तो प्रोविज़न ज़्यादा दिखाएंगे, तो हम प्रोविज़न ज़्यादा दिखा रहे हैं पर टैक्स कम भर रहे हैं, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 लाख का, जो भी हमारा डिप्रीसिएशन का डिफरेंस है, जो भी हमारा डिप्रीसिएशन का डिफरेंस है 5 लाख और 2 लाख। इससे रिलेटेड बुक्स में प्रोविज़न तो किया गया,
3 लाख पे टैक्स रेट दिया गया है क्वेश्चन में 50%, 1.5 लाख पर पे नहीं किया गया। समझने की कोशिश कीजिए, मेरा प्रॉफिट सपोज है 10 लाख, मैंने मेरे बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2 लाख, यानी 8 लाख का प्रॉफिट दिखाया, इनकम टैक्स के हिसाब से भी 10 लाख, पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 5 लाख, यानी प्रॉफिट दिखाया 5 लाख, 5 लाख पे आपने टैक्स पे किया 2.5 लाख्स, पर प्रोविजन बुक्स में तो 8 लाख के प्रॉफिट के हिसाब से होगा ना, यही तो हमारा AS 22 है, तो इसके हिसाब से 50% 4 लाख, तो ये 4 और 2.5 का डिफरेंस 1.5 लाख, यही तो हम बोल रहे हैं। हमारे बुक्स में टैक्स की लायबिलिटी दिख रही है, ठीक है, हमारे बुक्स में टैक्स की लायबिलिटी दिख रही है, पर एक्चुअली पे नहीं किया गया है, दिस नोन एज डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसमें ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकते, ये चैप्टर बहुत डिटेल चैप्टर है। अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड, यानी टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अमोर्टाइज नहीं किया गया, यानी कि ये जो हमारा इनकम टैक्स वाला प्रॉफिट है इसमें 30,000 रुपीज़ माइनस नहीं किया गया, पर हमारे बुक्स में जो प्रॉफिट दिख रहा है उसमें 30,000 माइनस किया गया था। अगर इसे टैक्स के हिसाब से माइनस नहीं किया तो टैक्स में प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया, ज़्यादा दिखाया तो टैक्स ऑब्वियसली ज़्यादा भरा, कितना टैक्स का डिफरेंस आएगा 30,000 पे 50% 15,000, तो 15,000 से रिलेटेड डिफर्ड टैक्स एसेट बना। नेट अगर पूछें तो 1,35,000 का डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना। हो सकता है ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, AS 22 के कंसेप्ट एक बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है बेटा, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, आई एंड माई वीडियो वो, यह हमने सारे के सारे स्टैंडर्ड देख लिए। थैंक यू।